हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस आज हमारा डे थर्सडे तो आज हम करेंगे इकोनॉमी के प्रीमिक्स के क्वेश्चंस आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट और ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इमर्ज हो रहा है यूपीएससी का लास्ट टू टू थ्री ईयर्स में आप देखोगे अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से और अच्छी क्वालिटी के भी आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे प्रीमिक्स के थ्रू पहले अपना बी बिल्ड करेंगे फिर अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन क्वालिटी भी इंप्रूव करेंगे ताकि हमारा होल्ड भी इससे अच्छे बने इस टॉपिक पे ओके फ्रेंड्स लेट सॉल्व दी क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन आज के ओके okay. तो पहला क्वेश्चन पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नोट्स भी बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मनी मार्केट से रिलेटेड है और क्या कहते हैं कैपिटल मार्केट से से भी से भी ब्लैक मनी रिलेटेड है और ये न्यूज में बहुत रहता है तो उसी को ध्यान में रखिए क्वेश्चन बनाया गया सेकेंड क्वेश्चन एटी वन ये होते बॉन्ड्स तो के बेसिकली ये बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है न्यूज में बहुत है अभी रिसेंटली एक स्कैम भी हुआ था तो उसको ध्यान में रखिए क्वेश्चन बनाए गए देन मनी मार्केट हमें पता है फाइनेंशियल मार्केट हम कैसे डिवाइड करते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट सो मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स है जो इंडिया में है लाइक कमर्शियल पेपर्स बिल्स कॉल मनी मार्केट म्यूचुअल फंडस ये सब तो उसी को ध्यान में रखिए क्वेश्चन बनाए गए फोर्थ वी हैव एन एंजल इन्वेस्टर्स हमें पता है हमारी इकोनॉमी क्या एग्रीकल्चर पहले डोमिनेटेड थी डोमिनेटेड थी अब हम सर्विस सेक्टर चले गए तो हमें इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया हमारा तो उसको ग्रो करने के लिए हम क्या प्रमोट कर रहे हैं स्टार्टअप्स तो स्टार्टअप्स सर्विस सेक्टर में भी ऑफकोर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में पर इंडस्ट्रीज में भी हम टैप कर रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखें इंजियन इंडस्ट्रीज टॉपिक न्यूज में रहता है तो उसको ध्यान में रखिए क्वेश्चन बनाया गया फिफ्थ डेरीवेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर हमें ग्रो करना है तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूज द टूल ऑफ डेरिवेटिव्स टू प्रमोट आर एग्रीकल्चर ताकि उसमें ग्रोथ हो तो उसी को ध्यान में रखें डेरिवेटिव हमारा फाइनेंशियल मार्केट का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है तो क्वेश्चन बनाया गया प्लीज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ओके फ्रेंड्स लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इट इज अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट्स अब पार्टिसिपेटरी नोट्स होता क्या है बेसिकली देखो वी हैव फॉरेन इन्वेस्टर्स तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की कैपिटल मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्स्ट दे हैव टू रजिस्टर विद विद सेबी सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा तब वो रजिस्टर तब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी पर अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमें पता है कितना रेड टिपिज्म है इंडिविजुअल है तो उसके लिए डिफिकल्ट होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना मतलब बहुत ये सारा क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वाला प्रोसेस बहुत हेक्टिक रहता है सोट टू अवॉइड सच थिंग्स ये हैसल रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या एक किया एक सिस्टम स्टार्ट किया है कुछ होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफ बोलते हैं तो वो क्या वो रजिस्टर से इंडिया में ओबियसली वो तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं पर इंडियन गवर्नमेंट ने सी ने अलाउ किया है कि फ़ॉरन इन्वेस्टर्स एफ के पास जा सकते हैं उन्हें बोल सकते हैं तुम्हारे पास जो सारे सिक्योरिटीज़ है या इक्विटीज़ है या डेरिवेटिव्स जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है जो भी एसेट्स हैं उसको हमें बेच दो तो इन डायरेक्टली क्या हो रहा है दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन द इंडियन कैपिटल मार्केट बट वाई होम एफ आई आई एस तो एफ आई आईज को पैसा देते हैं फिर एफ आई आईज उनके थ्रू इन्वेस्ट करता है तो यह है बेसिकली पार्टिसिपेटिव नोट्स का तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें इसमें इन्वेस्टर्स जो है पार्टिसिपेटिव नोट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट गेन कर रहे हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली होल्डिंग एनी शेयर मार्केट कोई शेयर इक्विटी कुछ भी नहीं हैडल कर रहे सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकेंड इज सी बी हैज़ क्लासीफाइड थ्री पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेटिव नोट्स इशूंग एफ आई एज इन दंट्री तो बेसिकली एफ आई एस की तीन कैटेगरीज होती है और वही इशू कर सकते हैं पार्टिसिपेटिव नोट्स तो कौन कौन सी एफ आई एज़ है हम देख सकते हैं तीन कैटेगरी तो देखो सी बी ने तीन तरह की क्लासीफाई की हुई है कैटेगरी वन तो ये कहते हैं गवर्नमेंट एनडीटीज़ है ये देखो एक है, so वो एक होगी फॉरन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एंडिटीज़ तो फर्स्ट कैटेगरी वो होती है तो इन अलाउड है पार्टिसिपेटिव नोट इशू करना सेकेंड क्या है कैटेगरी टू कैटेगरी टू में कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो गए जैसे म्यूचुअल फंडस वाले तो दे आर रेगुलेटेड बाई दॉडी बाई ऑफ दैट कंट्री अगर सपोज ऑस्ट्रेलियन म्यूचुअल फंड कंपनी है तो वो ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक या जो भी उनकी बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी उससे रेगुलेट हो रही है तो दे कैन इन्वेस्ट इन पी एन ए पार्टिसिपेटिव नोट पर थर्ड कैटगरी जो इन दोनों को एक्सक्लूड करके जो बाकी सारे एंटिटीज रह गए वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं एंड दे कान इशू पार्टिसिपेटिव नोट तो ये ध्यान रखना तो ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है हमने एफ को सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट हमने थ्री पॉसिबल कैटेगरीज में क्लासीफाई किया देन थर्ड इज एफ आई ईस कैन इशू पार्टिसिपेट इन नोट एनआर नो इट कैन बी ओनली इश्यू टू फॉरन इन्वेस्टर्स फॉरनर्स को नॉट इंडियंस एनआरईस को नहीं तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो करेक्ट आंसर वुड बी वन एंड टू आर करेक्ट थर्ड इज रॉन्ग सो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये ध्यान रखना राइट right? तो so, आप ये रीड कर सकते हो वही सेम चीज है उट दीड टू रजिस्टर विद इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज तो यह ध्यान रखना बस एंड ऑल्सो ऑफकोर्स इंडियन हमें एफ डी आई चाहिए फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए वट वुडन इन्वेस्टमेंट वुड कम तो आप किसमें इन्वेस्ट करोगे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कुड भी फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर तो उससे क्या हो रहा है ह्यूमन कैपिटल भी बन रहा है फिजिकल कैपिटल भी बन रहा है उससे क्या होगा हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होएगी लाइक वी इन्वेस्ट इन हेल्थ एजुकेशन तो ह्यूमन कैपिटल बिल्ड हो रहा है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई प्रोडक्टिविटी से क्या होगा ऑफकोर्स अब लोग प्रोडक्टिव हो गए तो अब जॉब्स में जाओगे तो जॉब्स की ग्रोथ होगी कंपनीज की ग्रोथ होगी तो कंपनीज की ग्रोथ होगी तो ऑफकोर्स दे विल लीड टू मोर क्रिएशन ऑफ जॉब्स मोर क्रिएशन ऑफ जॉब्स मोर इनकम ग्रोथ तो मोर रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट मोर रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट देन अगेन दे कैन इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर तो वी गेट

उन्होंने एटी वन बॉन्ड्स इशू किए थे फिर उन्होंने पैसे नहीं दिए जिनको बॉन्ड इशू किया जिससे पैसे लिया बेसिकली बॉन्ड्स क्या होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप क्या कर रहे हो बॉन्ड इशू कर रहे हो तो उससे क्या कर रहे हो क्रेडिटर से पैसा बोरो कर रहे हो पैसा बॉरो कर रहे हो तो ये है बेसिकली बॉन्ड्स तो बेसिकली एटी वन बॉन्ड्स के दिज आर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स एटी वन बॉन्ड्स जो बैंक इशू करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर बेसल थ्री बेसल थ्री बॉन्ड्स है ये

वट वट हैपन ये एक फीस वैल्यू होगी बॉन्ड की राइट right? और ये इंटरेस्ट रेट हो गया तो आप क्या करोगे एवरी मंथ इंटरेस्ट रेट पे करते रहोगे जिससे आपने पैसा बारो किया और आफ्टर द एंड ऑफ वन ईयर जब मेच्योरिटी पीरियड वन ईयर गए, तब उसको सारी फेस वैल्यू भी रिटर्न करते हो गी. तो दिस इज द मेन थिंग अबाउट बॉन्ड्स पर जो एटी वन बॉन्ड्स है स्पेशल बॉन्ड्स है ये परपेचुलर दैट मीन्सोंव एनी मेच्योरिटी कभी एंड नहीं होगा और इसको बैंक इशू करता है पर बैंक के हाथ में ही होता है इसको कब तक रन करना है इसमें क्रेडिटर के रोल नहीं होता जो पैसा दे रहा है बैंक को उसके हाथ में कुछ नहीं है जो बेसिकली बायर ऑफ दी बॉन्ड्स उसके वो कभी कॉल ऑफ नहीं कर सकते कि मेरे को बॉन्ड बंद करना है तो इसलिए परपेचुअल इन नेचर है और अनसिक्योर्ड होता है ये बिकॉज इसमें क्या है डोमिनेंस किसकी है बैंक की है बैंक कभी भी इंटरेस्ट रेट पे करना बंद कर सकता है अगर फेल हो जाए राइट बैंक कभी भी बॉन्ड को ख़त्म कर सकता है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड परपेचुअल इन नेचर सो दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड्स अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा है एक्चुअली बहुत टाइम से एक दो साल से है तो इसलिए तो आई थाट कि ये बॉन्ड्स हम पड़ती है फाइनेंशियल मार्केट में तो लेट्स टॉक अबाउट एटी वन ऑल्सो एडिशनल टी आर वन बॉन्ड्स राइट तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो दीज आर अनसिक्योर्ड परिटी डेट्स राइट दीज आर इश्यूड बाई बैंक्स ये ध्यान रखना और ये बेसिकली ऐसा है येस बैंक स्कैम की वजह से न्यूज़ में था ओके okay. तो ये है बेसिकली आप रीड कर सकते बेसिकली इशू कैसे करते हैं बॉन्ड्स को दो वे होते हैं इशू करने के लिए या तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स के थ्रू या फिर सेकेंडरी मार्केट के थ्रू हम इशू करते हैं एंड इसमें एक्चुअली एडवांटेज क्या है अनसिक्योर्ड तो है पर वाई पीपल आर इंटरेस्टेड बिकॉज अनसिक्योर्डर तो कोई बाई नहीं करेगा बट स्टिल वाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सच बॉन्ड्स बिकॉज यहाँ पे आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है तो इसलिए आप दोगे पैसा बैंक को बिकॉज बैंक आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो आप दोगे बैंक को पैसा तो ये है बेसिकली दे गिव यू स्लाइटली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स इसको एक्सचेंज एक्सचेंज पे हम कर सकते हैं लिस्ट और फिर ट्रेड कर सकते हैं राइट right? तो इन्वेस्टर्स कैन नॉट रिटर्न दिस बॉन्ड्स तभी ये अनसिक्योर्ड है एंड पर बैंक्स हैव द ऑप्शन टू रिकॉल एटी वन बॉन्ड्स कभी भी राइट एंड दे कैन स्किप इंटरेस्ट पे आउट और इसमें ध्यान रखना दीज बॉन्ड्स आर रेगुलेटेड बाई आर बी आई नॉट से बी ये ध्यान रखना आर बी आई रेगुलेट करता है तो प्लीज़ मुझे वीडियो पॉज करके बताओ अब जैसे इसमें कुछ टर्म्स आ गई बेसल थ्री तो बेसल थ्री नॉर्म्स है क्या प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे ये बताओ बेसल थ्री नॉर्म्स है क्या एक्चुअली सारे ही बताओ मुझे बैंकिंग हम कर चुके हैं तो बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री नॉर्म्स क्या है कौन इशू करता है किसने इशू किए थे बेसल थ्री नॉर्म्स फिर इंडिया में अभी कौन से नॉर्म्स चल रहे हैं फिर बेसल थ्री नॉर्म्स कब से आएंगे आ चुके हैं इंडिया में और क्या फीचर्स है बेसल थ्री नॉर्म्स के आपकी रिविजन होएगी राइट तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ ये ओके तो आप ये एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो तो ये स्कैम क्या था ये इसमें एक्सप्लेन कर रखा है मैंने पूरा डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड किया राइट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप आपको है एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेसल थ्री नॉम जब आपने लिख लिया तो आप ये रीड कर लेना एंड कैसे आर बी आई रेगुलेट करता है विध रिस्पेक्ट टू दीज ब थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगर आपको नहीं भी आता है ना कमर्शियल पेपर की डेफिनेशन कॉल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन नहीं आती कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है वो चीज इस क्वेश्चन में सिंपली हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चन है बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चन है देखो बेसिकली क्या आता है इन्फ्लेशन हमें पता है बेसिक कॉन्सेप्ट जब इन्फ्लेशन बॉर्ज होते हैं और क्रेडिटर क्रेडिटर क्या कर है पैसा दे रहा है बॉर को लाइक like मनी और बॉरर उसे रीपे करता है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब भी करता है तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्रेडिटर और बॉरर पे क्या फर्क पड़ता है इस पर बेस क्वेश्चन था देखो तो बॉर पे क्या फर्क पड़ता है बॉरर ने पैसा सौ रुपये लिया राइट परचेजिंग पावर क्या है उसकी अभी भी हंड्रेड रुपीज़ है वो हंड्रेड रुपीज़ के अभी भी टेन चिप्स ले सकता है कोई भी चिप्स का पैकेट बट आफ्टर अब उसे पेकअप करना है आफ्टर सपोज वन ईयर एक साल बाद पे करना है मनी मार्केट यूजली आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो जिनकी मेचोरिटी पीरियड होता है अप टू वन ईयर ये ध्यान रखना मनी मार्केट में तो अब व्हाट इज आपने अब परचेजिंग पावर जो ऑफ दैट मनी है अभी हंड्रेड की टेन चिप्स है पर उसे पे करना है आफ्टर वन ईयर आफ्टर वन ईयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सपोज क्या होगा गया परचेजिंग पावर ऑफ दैट सेम हंड्रेड रुपीज नोट हंड्रेड रुपीज नोट्स कितना हो गया वो सिर्फ नाइनटी का वैल्यू रहेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो गया अब वो सिर्फ पहले कहता है दस रुपये का एक चिप था अब कितना हो गया इलेवन रुपीज़ का तो वो सिर्फ नाइन चिप्स बाय कर पा रहा है तो परचेजिंग पावर मनी की कम होगी अब क्रेडिटर को आप एक साल बाद वो पैसा दोगे तो उसका तो नुकसान हो गया ना इन्फ्लेशन की वजह से बिकॉज तो उसने जब सौ रुपये दिए थे तो उसके वो दस चिप्स ले सकता था पर उसे पैसे वापस आ गए अब वो सिर्फ नौ चिप्स ले पा रहे हैं तो बेनिफिट किसको होता है बॉर्डर को होता है एज कंपेयर टू क्रेडिटर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अब इसी क्वेश्चन में हम देखें ये ध्यान रखना बॉर्डर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट अब इसी को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में इतना इजी क्वेश्चन था कोई डिफिकल्टी नहीं था जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा था अब देखो कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर क्या होता है बेसिकली कंपनी कुछ कॉरपोरेट्स होती है कंपनीज वो इशू करती है कमर्शियल पेपर लाइक बायर्स को और बायर्स उन्हें क्रेडिट देती है पैसा देती है तो नाउ वट इज हैपनिंग अब देखो वो क्या करें कमर्शियल पेपर रूट ऑफ बॉरिंग वर्किंग कैपिटल इज प्रॉफिटेबल वंस इन्फ्लेशन हैज स्पीक्ड इन्फ्लेशन हैज पीक इन्फ्लेशन राइज कर गया और कमर्शियल पेपर जो इशू कर रहा है बेसिकली कंपनी जो इशू कर रही है तो उसके लिए प्रॉफिटेबल है ना क्योंकि वो क्या बोरोर है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बस यही देखना था हमें ऐसी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फॉर दैंक्स इन द कॉल मनी मार्केट फॉल्स इन वेक ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन कॉल मनी मार्केट क्या होता है जो बैंक को एकदम से शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहे है तो उसे एकदम से पैसा चाहिए तो क्या करता है वो दूसरे बैंक को कॉल करके पैसा बॉरो करता है फॉर आई गेस फोर्टीन डेज होता है सो so, अब वट इज हैपनिंग नाउ इन दिस इन्फ्लेशन हो गया तो बैंक जो बोरो कर रहा है उसका तो फायदा होगा ना सिंपली उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम हो गया तो ऑफकोर्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट तो बैंक के लिए फायदा हो गया फर्स्ट इज करेक्ट सेकेंड इज करेक्ट थर्ड क्या बोल रहे हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंडस तो इसमें क्या हो रहे हैं म्यूचुअल फंडस क्या होते हैं अब जैसे मेरे जैसे इंडिविजअुअल्स हैं मुझे कैपिटल मार्केट का आइडिया आई, नहीं है तो मैं क्यों इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ एक बॉडी है म्यूचुअल फंड्स तो मैं उसको पैसा दूंगा और वो आगे मेरी तरफ से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो उन्हें बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स तो म्यूचुअल फंड्स क्या है वो पैसा पूल करता है डिफरेंट इन्वेस्टर से और फिर इन्वेस्ट करता है कैपिटल मार्केट में सोना व्हाट इज हैपनिंग अर्निंग्स फ्रॉम द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स मे फॉल डाउन एज इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस तुम अर्निंग दैट मीन्स मैंने जो पैसा लगाया उससे जो अर्निंग आ रही है मैं क्या हो गया क्रेडिटर तुम मेरा जो क्रेडिटर हूँ ऑब्वियसली मेरी अर्निंग तो कम ही होगी ना क्रेडिटर को लॉस और इन्फ्लेशन से सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट तो देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था बहुत ईजी क्वेश्चन था जस्ट थोड़ा लॉजिकली सोचना था क्वेश्चन बेसिकली क्या था एप्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन ओनली जस्ट उसको मनी मार्केट से इंटरलिंक कर दिया था और पूछा गया था आपसे तो so, बस ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं था आई गेस क्वेश्चन आप सब ने सॉल्व किया हो गया क्वेश्चन को डरे नहीं हो ओके एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख सकते हो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको राइट right? थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया बिकॉज मनी मार्केट इंश्योरेंस कहीं को नहीं आती होती अच्छे से तो मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किया इसके और आपको प्रोवाइड करती है राइट तो आप ये रीड कर सकते हो बेनिफिट्स ऑफ मनी मार्केट एंड ऑल डेफिनेशन देन मनी मार्केट टूल्स ट्रेजरी बिल्स वगैरह बिकॉज यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छे से पढ़ लेना ये करेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम बाद में भी ओके फोर्थ क्वेश्चन एंजल इन्वेस्टर्स ये इन, इन्वेस्टर्स होते कौन है बेसिकली दो तरह के इन्वेस्टर्स हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स एंड वी हैव वेंचर कैपिटल कैपिटलिस्ट तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है देखो अब देखो मेरे को स्टार्टअप स्टार्ट करना है और मेरे को पैसा चाहिए तो मेरे को पैसा चाहिए तो ऑफकोर्स अब एकदम से मैं मार्केट में जाऊँगा अगर मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू होएगी तो मेरे को मिल जाएंगे पैसे देने वाले अगर समटाइम्स क्या होता है कि मेरी प्रोडक्ट अभी इनिशियल स्टेज पे प्रोटोटाइप स्टेज पे है प्रोटोटाइप स्टेज पे और मुझे पता नहीं है अभी कि मेरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा तो मुझे ऐसे अभी पर मुझे पैसा चाहिए उसको प्रोटोटाइप से फाइनल स्टेज पे लेके जाने के लिए तो उस टाइम पे क्या होता है कोई इन्वेस्टर होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं सीड मनी प्रोवाइड करते हैं सीड कैपिटल बोलते हैं बेसिकली हम सीड कैपिटल तो ऐसी एक तरह होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स तो एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं इनका फोकस आपके जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसको कमर्शलाइज करोगे प्रॉफिट आएगा तो ठीक है कुछ शेयर मिलेगा पर इनका मेन फोकस उस पर नहीं होता आ, कि प्रॉफिट कमाना इनका फोकस होता है कि जो हार्ड वर्क करने वाला है जिसके आइडिया अच्छा है तो उनको हेल्प करें हम तो बेसिकली इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू हेल्प द अदर पर्सन इन सक्सीडिंग देयर बिजनेस तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट इनका मेन मेजर फोकस ये नहीं होता है कि रीप ह्यूज प्रॉफिट वो किसका होता है वेंचर कैपिटलिस्ट का होता है तो यहाँ पे क्या गया ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव हो गया एंजल इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है टू हेल्प द बिजनेस टू ग्रो वेंचर कैपिटलिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है टू

Obviously, वो उसका मेन फोकस है कि मैं एज ए इंडिविजुअल ग्रो करूं तो वो मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आ रहा है वो अभी बिजनेस की वाइबिलिटी को पता नहीं है कुछ तो मेजर फोकस कहते हैं यूजली इन्वेस्टिंग पर्सन उन्हें पता है ये मेरा नोन है तो इसको इन्वेस्ट करता हूँ मैं वेंचर कैपिटल क्या होता है देबिलिटी ऑफ द बिजनेस बिजनेस चलेगा कि business चले नहीं तो देर दे आर मेजरली प्रॉफिट मोटिव सो ऑल थ्रीज स्टेटमेंट आर करेक्ट ये ध्यान रखना प्लीज एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो वही जो मैंने एक्सप्लेन किया ओके लास्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं देखो बेसिकली क्या है अब सपोज मैं फार्मर हूँ मैंने बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर लिए अब मैं एकदम से अगर सेल करने जाऊंगा तो डिस्ट्रेक्ट डिस्ट्रेस सेल होगी बिकॉज सपोज अनियन प्रोड्यूस हुआ एकदम से मैंने भी प्रोड्यूस किया मेरे बाकी फार्मर फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी प्रोड्यूस कर लिया तो मार्केट एकदम से बल्क आ गया <coughs> मेन सप्लाई एकदम से इंक्रीज हो गया सो वट वुड हैपन डिमांड कॉन्स्टेंट है वट हैपन प्राइस विल फॉल प्राइसिस फॉल हो गए तो फार्मर का लॉस हो गया फार्मर की इनकम नहीं होगी रेमुनरेशन नहीं मिल रही उसने कॉस्ट ऑफ जितना उसने प्रोडक्शन में लगाया और जितना उसे मिलना चाहिए प्रॉफिट उतना मिल नहीं रहा तो वट इज़ अपनी फार्मर की नेगलिजेबल ग्रोथ रेट चल रही है इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो परसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है सो बिकॉज ऑफ दिस वट इज अपनी फार्मर का प्रॉफिट नहीं हो रहा पर खर्चे बहुत है तो so वट इज अपनिक फार्मर्स सुसाइड कमिट कर रहे हैं सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द टूल ऑफ जिसमें क्या होगा फार्मर्स क्या करेंगे फार्मर डेरिवेटिव्स का एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू किस किससे डिराइव कर रहे हैं हम एक एसेट से तो बेसिकली क्रॉप्स हो गया तो क्रॉप सपोज आपके पास टेन के है तो टेन के जी क्रॉप्स हो गए तो आप सपोज उसमें आपने बेचना है टेन रुपीज में तो हंड्रेड रुपीज हो गया तो आप डेरिवेटिव रेट करोगे हंड्रेड रुपीज का तो बेसिकली पर ये क्रॉप कितने साल तक चलेंगे या कितने महीने तक या हफ्ते तक पेरिशेबल है या लॉन्ग टर्म चलेंगे वो भी इसके प्राइस डिटरमाइन करेंगे तो हंड्रेड से क्या हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म चलेंगे तो हो सकता है इसकी प्राइस वन ट्वेंटी इंक्रीज हो जाए अगर शॉर्ट टर्म है पेरिशेबल है एक दो दिन में खराब हो जाएंगे तो हंड्रेड की जगह फिफ्टी रुपीज़ का भी एक बॉन्ड क्रिएट होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो बेसिकली ये डेरीवेटिज है जो फिर फार्मर्स क्या करेगा ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा सपोज़ किसी कंपनी के साथ मेरे पास आएगा बोलेगा कि मैं आपको ये क्रॉप एक महीने बाद दूंगा आज नहीं दूंगा और उस टाइम जो भी प्राइस होगा क्रॉप का उसके बेसिस पे आप मुझसे ख़रीद लेना और और क्या बॉन्ड अब हम दोनों में साइन किया होगा कोई फॉर्मल एग्रीमेंट चाहिए वो क्या होगा तो ये होता है बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से डेरीवेटिव सो बेसिकली इसकी वैल्यू की वैल्यू डेरिवेटिव एसेट्स कुछ नहीं है बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है बेसिकली इसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है एक पर्टिकुलर एसेट से जो आपने एक कोई एक चीज रखी है उसके बेसिस पे आपने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरेट कर लिया जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से ये मान लो बेसिकली इट इज अ सिक्योरिटी डिराइव फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट शेयर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन तो आप लोन्स पे भी कर सकते हो शेयर पे भी आप एक जनरेट कर सकते हो डेरिवेटिव ऐसी डेट इंस्ट्रूमेंट कुछ भी आप कर सकते हो राइट सो फर्स्ट इज करेक्ट तो इसमें ध्यान रखना मैंने पूछा रहा इन इंडिया in ये ध्यान रखना ऐसी सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं इट्स वैल्यू दैट मीन्स वैल्यू ऑफ दट डेरीवेटिव इज डिराइव फ्रॉम द प्राइस और इंडेक्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स ये भी सही है जो भी प्राइस और दैट एसेट है प्राइस ऑफ क्रॉप्स उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिराइव होगी देन सिक्योरिटी डिराइव फ्रॉम एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स इस पर भी हम कर सकते हैं ये भी हमारा जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक्ट है वो भी अलाउ करता है कि हम एक्सचेंज रेट्स के बेसिस पे भी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरेट कर सकते हैं जैसे डेरेवेटि पर फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इट मे बी डिराइव फ्रॉम मानसून फॉरकास्टिंग नहीं ये हम अलाउ नहीं करते ये इंडिया में अलाउड नहीं है ये यू वगैरह में डेवलप्ड नेशंस में होता है पर नॉट इन इंडिया तो वन टू एंड थ्री आर करेक्ट फोर्थ इज रॉन्ग राइट तो आप देख सकते हो बेसिकली

ये यूएस में अलाउड है नॉट इन इंडिया देन वी हैव डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं क्या क्या ऑप्शन स्वैप्स फ्यूचर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स तो प्लीज वीडियो पॉज करके मुझे बताओ इन सबकी डेफिनेशन नेक्स्ट टाइम भी इन पे क्वेश्चन बना के पूछेंगे ऑप्शन क्या होते हैं स्वैप्स क्या होते हैं एंड फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको अभी बेसिक डेफिनेशन पता चल गई कि डेरीवेटिव क्या है अब उसके जो सब टाइप्स है ऑप्शन स्वैप्स फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ये न्यूज में बहुत रहता है लाइक वी आर गोइंग फॉर फॉर्मर्ड कॉमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंडेक्स भी हमने क्रिएट किया है तो बेसिकली उसके बेसिस पे ये प्लीज मुझे वीडियो पॉज करके डेफिनेशन बताओ इन सबकी ओके फ्रेंड्स आई होप दिस सेल्पफुल टू यू एंड वी आर कमिंग अप विद ए न्यू बैच बैच फाइव फॉर जी एस तो उस आप जाओ हमारे डेमो वीडियोज भी है पोर्टल पर आप देखो उसको चेक करो टीचर्स को टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं जो सारे प्रीमिक्स के क्वेश्चन है ये हमारे क्लास नोट से ही कवर्ड है राइट एंड स्टैंडर्ड सोर्सेस तो आप जाओ हमारे इस बैच फाइव जी कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होएगा रहेगा फिल्म मैंटरशिप देन ऑप्शनल आपने लेना है सोशो पी ले सकते हो सी सैट जी एस एस ए करंट अफेयर फिल्म स्टेट सीरीज हर चीज़ कवर्ड रहेगी आपकी राइट फ्रॉम स्क्रैच टिल एडवांस लेवल हर चीज़ हम कवर करेंगे जी में तो उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की है कोड आप यूज़ कर सकते हो अर्ली बर्ड राइट क्लासेस स्टार्ट होएगी नाइनटीन सेप्टेंबर प्लीज़ जाओ आप चेक करो और ये कोड वैलिड होगा टिल इलेवन सेप्टेम्बर ऐसे हम एक अलग से प्रोग्राम भी ला रहे हैं फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मेडरशिप प्रोग्राम इसमें क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है प्लान आउट कैसे करना है शेड्यूल पढ़ना कैसे सोर्सेस क्या बेटर है देन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑल दिस इश्यूज तो हम वन टू वन कॉल्स रखते हैं फैकल्टी के साथ पिलम्स रिलेटेड मेरे साथ होगी कॉल राइट वी हैव साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो इवन विल शेड्यूल अ कॉल ऑफ योर विद सम टॉपर्स एंड ऑल जो गाइड करेंगे सो गाइडेंस फ्रॉम यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स तो ऑल दिस थिंग्स तो ये हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फाइव सिक्स थाउजेंड का है, पर आप कोड यूज कर सकते हो फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री परसेंट ऑफ मिलेगा तो फोर जीरो फोर नाइन रुपीज़ का आपका पड़ेगा प्लीज़ जाओ पोर्टल पर आप लॉग इन करो एंड यू कैन चेक आउट दी एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ दिस प्रोग्राम्स ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल टू यू एंड इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट राहुलट स्लीपी क्लासेस डॉट कॉम थैंक यू जय हिंद